गुड मॉर्निंग क्लास फाइव. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 74. बेटा एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमें स्टडी करनी है. एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी कर चुके हैं. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. अब उसकी डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. जब केवल किसी सिंगल आइटम की क्वालिटी बताते हैं, एक चीज के बारे में बात करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री. फॉर एग्जांपल, दिस पेंसिल इज स्मॉल, एक के बारे में बात किया तो हमने कहा कि दिस पेंसिल इज स्मॉल. अब मान लीजिए एक और पेंसिल है, इसको मान लीजिए पेंसिल ही, दो पेंसिल हो गई तो दो में कंपैरिजन हो जाएगा. दिस पेंसिल इज स्मॉलर देन दैट, स्मॉलर यूज किया. अब मान लीजिए कई पेंसिल हैं, उसमें ये सबसे छोटी पेंसिल है, तो आप कहोगे दिस पेंसिल इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑल. ठीक है, यानी स्मॉल वर्ड के थ्री फॉर्म्स हो गए, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ठीक है, स्मॉल वर्ड का यूज पॉजिटिव डिग्री मींस जब केवल एक के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वही पॉजिटिव डिग्री होता है. फॉर एग्जांपल स्मॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है. जब दो में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, स्मॉलर. और जब कई चीजों के साथ कंपेयर हो रहा तो भाई सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉलेस्ट. और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर लगता है, द स्मॉलेस्ट. ठीक है, ये बात तो हो गई. अब कुछ लिस्ट दी गई है कैसे बनाया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. जैसे देखिए, पॉजिटिव है स्मॉल, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर एड कर दिया, स्मॉलर. ई एस टी एड कर दिया, स्मॉलेस्ट. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट. ये एक मेथड हुआ. दूसरा देखिए, यदि ऑलरेडी लास्ट में ई है, ठीक है, एन आई सी ई नाइस, लास्ट में ई है, जब ऑलरेडी ई है तो आप ई आर नहीं ऐड करोगे, केवल आर ऐड कर दोगे, ई एस टी ऐड कर दोगे. ठीक है, अब नीचे आइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है. यदि छोटा सा वर्ड है, शॉर्ट वर्ड, बी आई जी बिग, ओनली थ्री लेटर्स का ही तो है, और इसके बीच में आया है वॉवेल, या यूं कहो कि लास्ट में कंसोनेंट और कंसोनेंट के ठीक पहले वॉवेल, क्या क्या शर्त हुई? शॉर्ट वर्ड होगा, लास्ट में कंसोनेंट होगा, कंसोनेंट के ठीक पहले वॉवेल होगा, देखिए आई वॉवेल है ना, तब जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा. ठीक है, डबल होके ई आर, जी देखिए डबल जी हो गया तब ई आर, बिगर और डबल जी करके तब ई एस टी. इसमें भी देख लो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है. ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे, फिर ई एस टी लगा दिया इस तरह से. अब यदि लास्ट में वाई हो, ठीक है, तो हम क्या करें, वाई को चेंज कर दो आई में. क्या करोगे, देखो दो तरीके से समझ सकते हो, या तो ये समझो कि वाई हटा के आई ई आर और आई ई एस टी लगा दिया, या ये समझो कि वाई को आई में चेंज कर दिया और फिर ई आर और ई एस टी लगा दिया. कुछ जो थोड़ा बड़े वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें अर एस्ट न लगा के मोर और मोस्ट लगा के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक
कर ले बेटा। अच्छा अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई रूल ही नहीं होता भाई, कोई रूल नहीं होता, एकदम इररेगुलर वे में इनका कंपरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। देखो बैड वर्स वर्स, गुड बेटर बेस्ट, लिटिल लेस लीस, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। अब बेटा ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें यहाँ पर कॉलम बने हैं पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव के। तो देखिए कि कोई एक डिग्री दी गई है और कोई दो डिग्री आपको फिल करनी है, वो मैंने किया है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको कि यहां जो ये लिस्ट दी गई है, ये और ये भी आपको लर्न करना होगा क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी आएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री मैंने दे दिया, कंपरेटिव सुपरलेटिव लिखने को दे दिया, ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कंप्लीट करने को चार्ट। अब आइए नीचे क्या करना है। देखो ये मैंने बताया तुमको बेटा कि किसी एक चीज की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री, किन्हीं दो चीजों में कंपेयर करते हैं तो कंपरेटिव डिग्री, जब बहुत सी चीजें रहती हैं तो उसमें किसी एक की बात हो रही तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई। अब जरा ये देखो ये क्या है, यहां पर सेंटेंस दिए हुए हैं, लास्ट में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और ये एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म मींस पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका करेक्ट डिग्री फिल करना है ब्लैंक में, कैसे पता चलेगा, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बताया है कि अकेले एक की बात होगी तो पॉजिटिव डिग्री, दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो कंपरेटिव डिग्री, कई में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन कुछ और भी पहचान, सेंटेंस को तो स्टडी करके ही आप देखिएगा, एक अकेले की बात हो रही है कि दो में कंपेयर हो रहा है कि कई में हो रहा है। लेकिन कुछ क्ल्यू, यदि सेंटेंस में टी एच ए एन देन आया होगा तो बेटा ये पहचान है कि वहां हमें कंपरेटिव डिग्री लगाना है, ठीक। क्या आया होगा तो टी एच ए एन देन, यदि ब्लैंक के ठीक पहले द है, जैसे कि यहां पर देखिए द के बाद फिल करना है, ये एक पहचान होती है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करना है, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि इन सेंटेंसेस में क्या ये मेरी बताई गई बात लागू होती है। संस्कृत इज डैश देन फ्रेंच, देन आया है यानी इजी का कंपरेटिव डिग्री आएगा, लास्ट में वाई है, वाई हटा के आई ई आर। रेबेका इज द डैश ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर है सभी स्टूडेंट्स में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कई लोग से कंपैरिजन है। यहां द भी हमें कुछ बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो इंटेलिजेंट का बेटा इंटेलिजर और इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता है बल्कि मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं कंपरेटिव और सुपरलेटिव। यहां सुपरलेटिव फिल करना है इसलिए मोस्ट इंटेलिजेंट। जयंती गॉट द डैश मार्क्स इन द क्लास, क्लास है, क्लास में बहुत से बच्चे हैं, जयंती को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, सभी बच्चों से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। द भी है, ये भी क्ल्यू दे रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो हाई का हाईएस्ट आएगा। अ प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, देन आया है तो गुड की कंपरेटिव डिग्री बेटर, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है रति इज द, द आ गया तो द ने कुछ बताया फिर भी, ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों में रति है, क्या है सबसे दयालु, तो काइंड का सुपरलेटिव काइंडेस्ट। इट इज डैश देन, देन आया है, देन बता रहा है कंपरेटिव डिग्री। एच ओ टी बहुत ही शॉर्ट वर्ड है तो क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वर्ड है लास्ट में
में कंसोनेंट, उसके पहले वोवेल, ऐसी कंडीशन में जो लास्ट लेटर है इसकी डबलिंग हो जाएगी, डबल टी हो जाएगा और फिर ई आर, होटल। दिस शॉप इज फेमस फॉर द आइटम्स। देखिए द तो लगा है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि द चीपेस्ट, लेकिन यहां चीप भी भर सकते हैं। क्यों? कुछ शो नहीं किया है, कंपैरिजन वाली बात कहीं आई नहीं। तो दिस शॉप इज फेमस फॉर द चीप आइटम्स कह सकते हैं, सस्ते आइटम्स के लिए ये शॉप फेमस है, ये भी ठीक है। द चीपेस्ट लगाते हैं फॉर द चीपेस्ट आइटम्स, तो वही है कि थोड़ा सा कुछ आगे और लिखा होता तो हम क्लियर कहते कि बहुतों में कंपैरिजन है। तो चीप आइटम्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रेम इज, मैंने मोर रिस्पॉन्सिबल क्यों लगाया, क्योंकि देन है, देन प्रीतम, देन हमें ये बता रहा है कि यहां पर कंपेरेटिव डिग्री आए। ठीक है बेटा, इसको समझना भी है और कुछ क्ल्यू भी मान लीजिए दिया गया है। क्ल्यू में केवल सेवेंथ वाले सेंटेंस में ऐसा था कि वो कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन उसको मैंने ये सोच के लिखा कि चीप आइटम्स, मतलब चीपेस्ट नहीं कह सकते ना, जरूरी थोड़े है इनसे भी चीप, इस दुकान से भी चीप कोई और सामान दे सकता है, इसलिए इतना कंप्लीट है। और इसको आप कॉपी में बेटा कर लीजिएगा, यही सब आपका इस समय होमवर्क, और समझ समझ के करिएगा, ठीक है, ये नहीं कि बाद के लिए मत छोड़िएगा।